हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और प्रभु की महिमा करूँ। आइए हम प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि हम ऑनलाइन तेरे नाम की महिमा करें। जितनी देर हम लोग प्रभु जी ऑनलाइन तेरे चरणों पर उपस्थित रहते हैं, तेरे वचन में से पढ़ते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई में से सीखते हैं, ये सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौसम के लिए, बारिश के लिए और अन्य आशीषों के लिए जो आपने पिछले सप्ताह हम सबों पर उंडेली हैं। भविष्य में भी प्रभु जी आपकी आशीषें निरंतर बरसती रहें। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने यह मौका दिया। सैटरडे को मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं था क्योंकि मेरे बीच वाले साले की डेथ हो गई थी, वो प्रभु में सो गए थे, वो पासवान थे, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। और कल ही मैं शाम को आया और फिर मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि मैं अपने उस सेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ और उन्होंने आज ये मौका दिया। तो आइए हम निकाल लें प्रेरितों के काम और साथ ही साथ रिवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य जो हम कलीसियाओं के बारे में सीख रहे। तो हम निकाल लें पहले प्रकाशित वाक्य उसका 2:8-11 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आज का विषय है स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को ये लिख जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी, उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। जो मैं बात यहाँ बताने जा रहा हूँ, आज हम अपनी कलीसियाओं का आकलन करें। ये दूसरी कलीसिया है, इस मुर्ना की कलीसिया जिसको प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहा है। इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इस मुर्ना का अर्थ है मुर। प्रभु यीशु मसीह को जो भेंट उसके जन्मदिन पर दी गई या जब वो पैदा हुआ और ज्योतिषी उसको भेंट लेकर अर्पण करने के लिए गए, उसमें एक भेंट की वस्तु मुर भी थी। आपने सुना होगा सोना मुर लोबान। मुर जो है वो क्लेश व मृत्यु अथवा शहादत की निशानी। यदि हम इतिहास में देखें तो स्मुर्ना इफिसुस से, जो इफिसुस की कलीसिया थी, उससे 40 मील उत्तर दिशा में थी और ये एशिया माइनर का सबसे खूबसूरत शहर भी था। इससे सारी दुनिया की खूबसूरती, या मैं ये कहूं कि सारी दुनिया के शहर से ये सबसे ज्यादा खूबसूरत शहर था। और लोग कहते भी थे
बहुत से कवियों ने, बहुत से लेखकों ने जो शब्द इस शहर के लिए इस्तेमाल किया है वो है एशिया का ताज, स्मरना की कलीसिया स्मरना, एशिया का पुष्प यानी फूल और एशिया का कंगन। इतना खूबसूरत शहर था जहां पर ये कलीसिया स्थापित थी। ये स्मरना एक प्राचीन नगर था जो एशिया के पश्चिम तट पर स्थित था। जिस स्थान पर स्मरना की कलीसिया थी आजकल उसका नाम इज़मीर IZMIR है। ये तुर्किस्तान में है जिसे टर्की भी कहते हैं। टर्की की राजधानी इस्तांबुल से 220 मील दक्षिण में वो स्थान है जिसे कभी स्मरना कहा गया था, जहां पर एक कलीसिया स्थापित थी। इसको यूनानी लोगों ने बसाया था परंतु ईसा पूर्व 580 वर्ष में लीदिया के राजा अलियातीस ने एक आक्रमण में इसे बर्बाद कर दिया। इसके लगभग दो सदी बाद सिकंदर महान ने इसका पुनः निर्माण करने की योजना बनाई। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट योजना बनाई कि फिर से ये एक यूनानी नगर बन जाए। सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने एक भिन्न स्थान पर नगर का निर्माण किया। उसके बाद स्मरना एक व्यापारिक नगर व वाणिज्य का केंद्र बन गया। इसके पश्चात वो रोमी साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। स्मरना के भव्य भवनों ने इसे एक सुंदर नगर का नाम दिया। स्मरना में पहला रोमी मंदिर बनाया गया जिसे तिबिरियुस का मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर में कैसर की पूजा होती थी। जो तिबिरियुस का मंदिर था उसमें कैसर की पूजा होती थी। रोमी शासन का ना सिर्फ शासन तंत्र पर कब्जा था परंतु धर्म पर भी उनका कब्जा था। उनका कहना था कि धर्म और कलीसिया यानी चर्च और राज को आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये सब एक साथ हैं और एक साथ ही चलाए जाएंगे। इसी कारण से रोमी शासन मंदिर बनवाता था अपने राज्य में और उस मंदिर में रोम के सम्राट की पूजा होती थी। रोमी कानून के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को बाध्य किया जाता था कि वो कैसर की उपासना करे, कैसर की पूजा करे। हर एक नागरिक को सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना पड़ता था कि कैसर ही परमेश्वर है, प्रभु है, ईश्वर है और राजा परमेश्वर। अगर वो ऐसा कर लेते थे या करते थे तो उनको इस बात की छूट दी जाती थी कि वे अपने भी देवी देवता व अपने पसंद के ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और यदि वे ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें अपने देवी देवता या अपने पसंद के ईश्वर की उपासना नहीं करने दी जाती थी। आज इस नगर की आबादी लगभग 3 लाख आंकी गई है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, और यहां पर एक बंदरगाह भी। स्मरना नगर में यहूदियों का एक आराधनालय था, सिनागॉग, पर ऐसा लगता है कि रोमियों से अधिक ये यहूदी चर्च या मसीही मंडली के विरोधी थे।
रोमी राज्य इतना विरोधी नहीं था, रोमी सरकार मसीहों के इतने विरोधी नहीं थे जितने कि स्वयं यहूदी थे। और उस समय के चर्च और मंडली को शैतान का सभागृह कहा गया है। आप बाइबल पढ़े, मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, उसे शैतान का सभागृह कहा गया। परंतु वे सच्चे मसीही लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया था, उनको समस्या थी, क्योंकि वे ये नहीं कह सकते थे कि कैसर ही परमेश्वर है, क्योंकि उन्हें मालूम था परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, परमेश्वर का पुत्र कौन है, त्रिएक परमेश्वर कौन है। और जो ये बात नहीं कह सकता था कि कैसर ही परमेश्वर है, वो रोमी सम्राट का कानून तोड़ता था। पद 9 मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, क्योंकि जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का पुत्र यूहन्ना को दर्शन दे रहा है और कह रहा है इस मुर्ना की कलीसिया को लिख दे, बता दे। यीशु कहते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। मसीही लोगों ने ये कहने से इनकार कर दिया कि कैसर ही परमेश्वर है, और वे रोमी राज के कानून तोड़ने की श्रेणी में आ गए। आज हमारे चारों तरफ, हमारे देश और प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है। इस मुर्ना से ज्यादा हमारी स्थिति भी दयनीय है। मसीहों को यदि वो रोमी राज्य के कानून को तोड़ देते थे और कैसर को परमेश्वर करके, खुदा करके नहीं मानते थे, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। उन्हें रोमी राज्य की या सरकारी नौकरियों से निकाल दिया जाता था या उन्हें नहीं दी जाती थी। उनकी संपत्ति लूट ली जाती थी और उन्हें जान से भी मार डाला जाता था। इसलिए लिखा है, तू अपने प्राण देने तक विश्वासी रहे। ये सब अत्याचार जो मसीहों पर किए जाते थे रोमी राज के कानून में जायज ठहराए जाते थे। इसलिए इस मुर्ना के मसीही बहुत गरीब थे। हम और आप तो धनाढ्य है, हम और आप तो ऐश और आराम की जिंदगी में मसीहत को जी रहे हैं, परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, लेकिन लिखा है ये बहुत गरीब थे, क्योंकि जो वे कमाते थे, जो उनकी पुश्तैनी थी, उनका था वो रोमी सरकार राज्य के द्वारा लूट लिया जाता था या अपने पास रख लिया जाता, उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। यीशु ने इस मुर्ना कलीसिया की प्रशंसा की, क्योंकि वो दुख, क्लेश और दरिद्रता से भरी थी, कष्टों से भरी थी। प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रशंसा कर रहे, क्योंकि दरिद्र होने के बावजूद, अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पर भी ये विश्वासी मंडली, ये विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के प्रति, उसके प्रति वफादार थे। और कहा गया है कि भविष्य में शायद और अधिक क्लेश और परीक्षा से उन्हें गुजरना पड़े। पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 8 से 11 पद। प्रियो, इनके पास पैसा नहीं था, आज हमारे पास पैसा है, हमारे पास दौलत है, संसाधन है, फिर भी हम प्रभु की महिमा नहीं कर रहे। हम उस मंदिर में जहां हमारी कलीसिया के हम सदस्य हैं, जहां प्रभु ने हमें ठहराया है, हम नहीं जा रहे।
ना हम दान देना चाहते, ना सहायता करना चाहते, ना घुटनों पर प्रार्थना करना चाहते, ना संगति करना चाहते। ये बहुत दरिद्र थे, इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन लिखा है तुम धनी हो। वे विश्वास के धनी थे, वो प्रभु यीशु मसीह के धनी थे, वो उनकी आशीषों के धनी थे जो आत्मिक तौर से उन्हें विश्वास को मजबूत कर रही थी। आप कल्पना कीजिए कि उन मसीहों की क्या स्थिति रही होगी। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद के 100 वर्षों के अंतराल में, 2 पीढ़ियों के बीच में लगभग 5 लाख मसीहों की हत्या कर दी गई। फिर सुन लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इतिहास बता रहा है। इतिहास के पन्ने पलटिए, यीशु के स्वर्गारोहण के 100 वर्षों के अंतराल में, 2 पीढ़ियों के बीच में लगभग 5 लाख जो मसीहों की हत्या कर दी गई। मसीहों को, यानी विश्वासियों को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे कि वो दोबारा आएगा, हमें लेने आएगा और स्वर्ग ले जाएगा, उनकी हत्याएं कर दी गई। मसीहों को स्टेडियम में ले जाकर भूखे शेरों के सामने छोड़ दिया जाता था और शेर उन्हें फाड़ खाते थे, लोग तालियां बजाते थे, स्टेडियम खचा खच भरा रहता था। तभी लिखा है 9वें पद में, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। तूने जो धन कमाया वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है, स्वर्ग में है। बाइबल में भी लिखा है, तुम अपना धन ऐसी जगह ना जमा करो जहां कीड़े और काई लग जाती हैं, चोर चुरा लेते हैं, बल्कि वहां जमा करो जो स्वर्गीय है, जहां ना तो कीड़े लगते हैं, ना काई लगती है, और ना ही कोई चुरा सकता है। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, जिसके पास जीवन है, जिसके पास पापों की क्षमा है, जिसका उद्धार हुआ है, वो व्यक्ति संसार का, सुन लीजिए, सबसे धनी व्यक्ति है। फिर कहना चाहूंगा, वो व्यक्ति जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, जिसके पास जीवन है, जिसके पास पापों की क्षमा है, जिसका उद्धार हुआ है, वो व्यक्ति इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, क्योंकि उसने अपने धन को अनंत जीवन में, स्वर्ग में इकट्ठा किया है। और 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को संबोधित करता, देखिए कितने कठोर शब्दों में वो संबोधित कर रहा, कहता है, वे यहूदी जो बड़ी कट्टरता से धर्म का पालन करते हैं, जो आज भी नहीं मानते कि यीशु ही मसीहा है, जो आज भी मसीहा की राह देख रहे हैं, इसलिए पुराने नियम या ओल्ड टेस्टमेंट को जो मानते हैं पर न्यू टेस्टमेंट को नहीं मानते, आज वो उनके लिए कहता है कि मैं इनसे क्रोधित। आज कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन डिनोमिनेशन के शैतान के जाल फंदों से बंधे हैं। डिनोमिनेशन बाइबल से ऊपर नहीं हो सकता, कड़वा सच है। हम ऐसे नियम को नहीं मान सकते जो हमारी आत्मिकता को गिरा दे या हमारे विश्वास को खत्म कर दे, या मैं यूं कहूं हमें शैतान के जाल फंदों में फंसा दे। इस मुर्ना के यहूदी भी ये कहते थे कि कैसर ही परमेश्वर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है। यहूदी कहते थे कि कैसर ही परमेश्वर है, इसलिए यीशु मसीह कहता है 10वें पद में, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं,
यदि यहूदी ओल्ड टेस्टमेंट को मानते, ये आज्ञा भी मानते जो ओल्ड टेस्टमेंट में दी गई है, तो मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना। ये पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़। लेकिन यहूदियों ने ऐसा नहीं किया, वे कैसर को ही परमेश्वर का दर्जा देने लगे। वे पाखंडी हैं, और कहता है बाइबल में लिखा है वे शैतान की सभा है। वे विश्वास कुछ और करते हैं और जीवन में कुछ और दिखाई देता है। उनकी पुस्तक में कुछ और लिखा है और वो विश्वास कुछ और करते। क्या आज का नामधारी मसीही कलीसिया का केवल मेंबर लेने वाला मसीही ऐसा नहीं कर रहा है? मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो बॉर्न अगेन नहीं है, जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो केवल उनका नाम यीशु का होठों से लेते हैं, लेकिन दिल से यीशु उनके बहुत दूर है। प्रियो, यहूदी सच्चे परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, 10 आज्ञाओं की बातें तो करते हैं, परंतु मानते नहीं है। इसी कारण वे पाखंडी हैं। रोमियो की पत्री उसका 2:28-29 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री उसका 2:28-29 देखिए क्या लिखा है। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी हैं, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों के ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के ओर से होती है। एक पद और पढ़ना चाहूंगा, 9:7-8 मैं पढ़ना चाहूंगा, और न इसी रोमियो 9:7-8 और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। लिखा है इजहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाएंगे या गिने जाते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ। आप बाइबल तो पढ़िए, आप वचन तो पढ़िए। रोमी लोग मसीहों पर सताव लाते ही थे, परंतु यहूदी लोग भी मसीहों को रोमियों से ज्यादा सताते थे। प्रियो, जो विश्वासी हैं, बाइबल कहती है उन पर सताव आएगा, नाना प्रकार की पीड़ाएं आएंगी, नाना प्रकार के दुख उन्हें झेलना पड़ेंगे, वो जेल खानों में जाएंगे, उन्हें मारा जाएगा, नाना प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी जो आपकी सोच और समझ से परे है। लेकिन प्रभु कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसको ही मुकुट मिलेगा। मसीही टीकाकार विलियम बार्कले का नाम आपने सुना होगा। वे बताते हैं कि उन दिनों में मसीहों पर 6 दोष लगाए जाते थे, 6 या 7 दोष लगाए जाते थे, 6 मेन थे। पहला, देखिए हम अपनी कलीसिया का आकलन करें, और हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, कहीं हम ये दोष तो दूसरों पर नहीं लगा रहे जो लोग हम पर लगाते थे। पहला था, ये लोग मनुष्यों का मांस खाते और उसका लहू पीते हैं, क्योंकि वे प्रभु भोज में सहभागी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम मेरे बलिदान को स्मरण करना और मेरी स्मृति में तुम भोज में सम्मिलित होना, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये लहू है जो तुम्हारे लिए सलीब पर बहाया गया,
जब तुम इसमें से खाओ तो मेरे महान बलिदान को स्मरण करो। आज कितने मसीह हैं जो प्रभु भोज लेते हैं लेकिन बलिदान को भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों उनके लिए मारा गया, क्यों गाड़ा गया और क्यों स्वर्ग में उठाया गया। वे सफेद कपड़े पहनकर प्रभु भोज में तो सम्मिलित होते हैं लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचन को नहीं मानते, दरकिनार कर देते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं। वे अपने आप को सोचते हैं प्रभु भोज लेने से वे पवित्र हो जाएंगे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप पवित्र होंगे जब आप प्रभु भोज लेते हैं। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बता देना आप कहां लिखा है प्रभु भोज लेने से आप पवित्र हो जाएंगे या आपके पाप धुल जाएंगे। बाइबल में लिखा है जब भी तुम मेरी ब्यारी में सम्मिलित हो मेरे उस महान बलिदान को स्मरण करो जो मैंने उस सलीब पर बहाया है, और जब जब तुम इसे ग्रहण करो मेरे बलिदान को स्मरण करो। यानी उस दुख दर्द को कि मैंने क्यों कहा, तुम्हारे पापों के लिए क्यों लहू बहाया, क्यों अपने आप को दे दिया, इसका स्मरण करो ताकि तुम दोबारा पाप न करो। हम हर महीने प्रभु भोज लेते हैं और हर बार पाप करते हैं, हर महीने प्रभु भोज लेते हैं हर बार पाप करते हैं, कई हर हफ्ता प्रभु भोज लेते हैं हर हफ्ते पाप करते हैं, कई प्रतिदिन प्रभु भोज लेते हैं प्रतिदिन पाप करते हैं, तो क्या हम उसको बार बार सलीब पर चढ़ाना चाहते। देखिए हमारी औकात क्या है, सफेद कपड़े पहन लेने से औकात का पता नहीं चलता, आचरण सही होगा तो आपकी औकात का पता चलेगा, भाषा सही होगी तो आपकी औकात का पता चलेगा, चाल चलन सही होगा तो आपकी औकात का पता चलेगा, सेवाएं सही होंगी तो आपकी औकात का पता चलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को कहता है ये शैतान की सभा के लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारी कलीसिया में भी यही देखता है। दूसरा दोष वो ये कि लोग बहुत गहरे प्रेम की बात करते हैं। गहरे प्रेम का अर्थ अनैतिक संबंधों से है। बहुत ध्यान से सुनिए यह कड़वी बात बता। वो लोग गहरे प्रेम की बात करते हैं और गहरे प्रेम का अर्थ जो यहां बताया गया है इसमें वो अनैतिक संबंधों से है। वो व्यभिचार और शारीरिक संतुष्टि की बात करते हैं, आत्मिक बातें नहीं पाई जाती। वे व्यभिचार की बात करते हैं, आपने सुना होगा कई प्रचारक कई पादरी कई लोग प्रभु के दास व्यभिचार में फंसे हुए गिरे हुए हैं। इसलिए तो कलीसिया उन्नति नहीं कर रही, इसलिए तो पवित्र आत्मा अपना काम नहीं कर रहा, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह दान वरदान नहीं दे रहा, इसलिए तो हमारी कलीसिया आगे नहीं बढ़ रही। हमारे अंदर शैतान ने फूट डाल दिया है, राजनीति डाल दी है और व्यभिचार डाल दिया है। प्रेम की यदि हम बात करते हैं तो हमें सच के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। प्रेम की हम बात करते हैं तो हम शारीरिक भोग विलासता की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगापे प्रेम की बात कही गई है कि परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में जो अगापे प्रेम किया वो चाहता है वैसा ही प्रेम हम उससे करें जिसमें कोई कंडीशन ना हो। कई लोग कंडीशनल प्रेम करते, परमेश्वर को ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हें सेत में मिला है, सेत में दो। मसीही विरोधी लोग गलत संगत से गहरे प्रेम के अर्थ को प्रस्तुत करते थे उस समय। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बड़ा कड़वा। आज पूरे विश्व में झगड़े चल रहे हैं, ईरान और इसराइल आपस में लड़ रहे हैं। यहूदी, मैं इसराइलियों की बात करूंगा, मैं यहूदियों की बात करूंगा। आपने एक एजेंसी सुनी होगी मोसाद, ये यहूदियों की एजेंसी है जो अपने देश की रक्षा करना चाहती है। ये वही यहूदी है जिन्होंने परमेश्वर को कह दिया था हे परमेश्वर मुझे एक राजा दे, उन अन्य जातियों की तरह राजा दे, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर ने शाऊल को दिया था। ये वही जाति है। प्रियो मुसाद
लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती है और अपना काम निकालती है, क्या ये व्यभिचार नहीं? परमेश्वर ने, या मैं ऐसा कह देता हूं आपको, शैतान को भी ये शरीर चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को या पवित्र आत्मा। ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है कि हम किसको अपना शरीर सौंपते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और कार्य करे। ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है, हमें निर्णय लेना है। कोई हमारा माता पिता हमारे लिए नहीं लेंगे, हमारे बच्चे हमारे लिए नहीं लेंगे, हमें लेना है और मरने से पहले लेना। प्रियो, आज संसार में क्या है, आप मोबाइल खोलिए तो वे विचार, यूट्यूब खोलिए तो वे विचार, व्हाट्सएप खोलिए तो वे विचार। शैतान ने वे विचार को इतना लपेट कर सुंदर आकर्षित बनाकर हमारे हाथों में दे दिया और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब व्यभिचार में गिरे। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की सभा शैतान की सभा है। तीसरी बात जो दोष लगाया करते थे, जब कोई यीशु को ग्रहण कर लेता था तो उसको घर से निकाल दिया जाता था। मसीही विरोधियों का कहना था कि वे लोग घर तोड़ने वाले लोग हैं, इनसे दूर रहना वरना ये लोग घर तोड़ देंगे, घर उजाड़ देंगे। घर तोड़ने वाले लोग कौन लोग? अरे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उनके घर वाले उसे निकाल देते। प्रियो, यीशु मसीह को ग्रहण करना इतनी सरल और आसान बात नहीं है, स्वर्ग में जाना इतनी सरल और आसान बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना सरल और आसान बात नहीं है। इसलिए उसने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बाइबल में कहीं भी लग्जरियस लाइफ यीशु देगा ऐसा नहीं लिखा। कई लोग प्रचार करते हैं तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी, तुम्हारे घर में आर्थिक तंगी नहीं होगी, तुम कर्जे में नहीं डूबोगे, तुम्हें अच्छा अच्छा मिलेगा, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। हम गलत भविष्यवाणियां करते हैं, हम गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, हम गलत, शैतान हमें बड़ा लपेट कर हमें और आपको फंसा देता है और हम उसकी लोलुपता में आ जाती। ये जरूर लिखा है जो भी विश्वास से मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास राई के दाने के बराबर होना चाहिए। क्या हमारा विश्वास है, और वो भी प्रभु की महिमा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं? और इसलिए जब वो प्रभु को ग्रहण कर लेते थे यीशु को, तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता था। तो मसीही विरोधी यानी यहूदी, रोमी राज और दूसरे लोग कहते थे देखो ये घर तोड़ रहे, इनसे दूर रहना, इनके साथ उठना बैठना नहीं, इनके साथ खाना नहीं, नहीं तो ये घर उजाड़ देंगे। प्रियो, आज यही स्थिति हमारी। मैं उन कलीसियाओं को चैलेंज करता हूं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो तुम्हारी कलीसियाओं में आते हैं, आप उन्हें ग्रहण क्यों नहीं करते? डरते हो क्या? अरे वो कहां जाएंगे? परमेश्वर ने के पुत्र ने कलीसिया स्थापित की, उसका एक मकसद था। हम अपने कलीसिया के नियमों को इतना कठिन किए हुए हैं कि जो मसीहत में आते हैं हम उन्हें भी ठुकरा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है अधिक से अधिक इस अंत के समय में लोग कलीसिया से जुड़े, क्योंकि कलीसिया उठाई जाएगी, एक परिवार नहीं, एक व्यक्ति नहीं, कलीसिया। और हम कलीसिया में मेंबर ही नहीं बनाने देना चाहते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या हम प्रभु यीशु मसीह से बड़े हो गए या इससे बड़े हो गए? क्या शिक्षाएं हैं आपकी? कभी बाइबल पढ़ा आपने? बहस करिए। चौथी बात, मसीही लोग परमेश्वर को परमेश्वर कहते थे। मैं विश्वासी की बात कर रहा हूं,
कैसर को परमेश्वर नहीं कहते थे, वो केवल परमेश्वर को यहवे को परमेश्वर कहते थे। और मसीह विरोधियों का कहना था कि ये लोग एक मनुष्य अर्थात यीशु को परमेश्वर मानते। ये दोषारोपण है उनके ऊपर। इस कारण ये अनीश्वरवादी हैं, अनीश्वर या ईश्वर को ना मानने वाले अनीश्वरवादी। ये दोष लगाया जाता था क्योंकि वो केवल परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं और यीशु को परमेश्वर मानते हैं। बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। आज हम किसको मान रहे, किसको मान रहे? हम इसके नियम तो मानते ही नहीं, कलीसिया के नियम मानने लगते। अरे पहले इसको मानिए, इस पर विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलिए और तब आप इसी के आधार पर नियम बनाइए। पांचवी बात, मसीही विरोधियों का कहना था कि ये कानून तोड़ने वाले, कानून का निरादर करने वाले लोग। आज हमारी सरकारें भी कई कानून बनाती और ऐसे ऐसे कानून जो मनुष्य पर लागू नहीं होते, खान पान के कानून, पहरावे के कानून, ईश्वरों को मानने के कानून, न मानने के कानून, कई प्रकार के कानून बनाते हैं लेकिन जो ईश्वर की तरफ से नहीं। लेकिन लोगों का कहना था जो विरोधी थे, मसीही विरोधी, वो कहते थे ये कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, कानून का निरादर करते हैं। लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है हम लोग कानून को नहीं तोड़ते लेकिन हम विश्वास में भी नहीं गिरते। आप जो कानून लगाना चाहो लगाओ, यदि हम परमेश्वर उसके त्रियक ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता लेकिन आत्मा को नहीं। लिखा है तुम उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है, उससे नहीं जो केवल तुम्हारे शरीर को नाश करता। इसलिए कानून वही मानना चाहिए जो इसके संगत, जो इससे मेल खाता। छठवीं बात, मसीही विरोधियों का कहना था कि ये लोग आग लगाने वाले लोग। आज भी लोग हमें कहते, आज भी कहते घर तोड़ने आ गया, मेरे बच्चे को भड़का दिया, आग लगाने वाले। और ऐसा इसलिए कहा जाता था कि नीरो बादशाह ने सन 60 ईसी में रोम में आग लगवा दी थी। बहुत ध्यान से सुनिए, नीरो बादशाह ने सन 60 ईस्वी में रोम में, रोम शहर में आग लगवा दी और सारा रोम आग में जलकर राख। एक भयानक आग का सारा दोष नीरो बादशाह ने यहूदियों पर नहीं लगाया, वहां की प्रजा पर नहीं लगाया, लेकिन उन विश्वासियों पर जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे उन पर मर दिया। आज कई दोष हमारे और आपके ऊपर लगाए जाएंगे, मर दिए जाएंगे। लिखा है अंत तक विश्वास योग रहे। इन्हीं छह अफवाहों के कारण मसीही लोग बदनाम थे, मसीही लोग बदनाम थे। अब मैं इन छह बातों का आकलन अपनी कलीसियाओं से करिएगा। पहली बात, ये लोग मांस खाते और लहू पीते हैं क्योंकि वे प्रभु भोज में सम्मिलित। आपको मालूम है यूहन्ना में लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही
तब लोग झल्ला उठे, क्रोधित हो गए और उसकी हत्या करने के लिए भी उतारू हो गए, उसकी हत्या करने के लिए भी उतारू हो गए। और यीशु मसीह को कहना पड़ा, तुम यदि छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ। अगले भाग में बताऊंगा क्यों ऐसा कहा प्रभु यीशु मसीह ने। प्रियो, आज हमारे प्रभु भोज में भी कई विषमताएं, कई ऐसी चीजें हमने डाल रखी हैं। प्रभु भोज के लिए भी कि दुख होता। कई हिडन विश्वासी हमारे देश में, हमारी जगह, हमारे प्रदेश में, हमारी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। और जब मैं कभी दुआ करने जाता हूं, वो अपने आप आकर जय मसीह की बोलते, बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं, पास्टर साहब, मैं आपको बयां नहीं कर सकता कि हम किस कष्ट से जूझ रहे हैं, लेकिन दुख होता है जब हम कलीसिया में जाते हैं तो हमसे लोग मिलना नहीं चाहते। हम खड़े रहते हैं कोने में, एक तरफ खड़े रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, हमसे कोई हालचाल नहीं पूछता, हम केवल जीवित प्रभु की आराधना करके वापस आ जाते हैं। आज कई कलीसियाओं का हाल ऐसा ही है, कई कलीसियाओं का हाल है, बड़ा दुख होता है। हम गहरे प्रेम की बात करते हैं, हम गाना गाते परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन हम बात संसारिक प्रेम की करते हैं, हम बात सेक्स की करते हैं, हम बात अनैतिकता की करते हैं, हम बात व्यभिचार की करते हैं, शारीरिक संतुष्टि की करते हैं, जिसे परमेश्वर ने मना किया। जब कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसके घर वाले उसको निकाल देते हैं, हम और आप जानते हैं। इतना आसान नहीं है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना। जो मसीहत में है, जो मसीह खानदान में पैदा हुए हैं, शायद वे इस बात को ना समझ सके जो मैं कह रहा हूं, लेकिन उन अनजातियों से पूछिए जो मसीह को मानते हैं, कितना दुख दर्द से रहे। क्या हमने उनकी सुधि ली है? क्या हम उनके पास गए हैं? क्या हमने उनको गले लगाया है? क्या हमने उनकी सेवा की है? क्या हमने उनकी सहायता की है? क्या हमने उन्हें कलीसिया में मिलाया है? प्रियो, वे प्रभु के राज में जोड़ दिए गए हैं, तो हम और आप कौन होते हैं उन्हें निकालने या अलग करने वाले? मसीह लोग जो परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं, जो सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, जो अन्य ईश्वरों के पीछे नहीं दौड़ते, वे अनीश्वर नहीं, अनीश्वरवादी नहीं, वे ईश्वरवादी, वे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते। आपने कभी सुनी? प्रियो, हमारे देश में कई भगवान हुए, आचार्य रजनीश, साईं बाबा, ऐसे कई हैं, ये मनुष्य भगवान बन गए। क्यों? हमने और आपने बनाया। लेकिन जो ईश्वर है उनकी कोई उपासना नहीं करता, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, और यही कारण है हम ईश्वर को भूल जाते हैं और लोगों के पीछे भागने लगते, लोगों के पीछे भागने लगते। प्रियो, मसीह विरोधियों का कहना था कि हम और आप कानून तोड़ने वाले। कैसा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कैसर उस समय टैक्स लिया करता था, टैक्स जमा हुआ करता था,
प्रभु यीशु मसीह ने भी टैक्स जमा किया, तो हम और आप टैक्स क्यों चोरी करते हैं? क्यों चोरी करते हैं? टैक्स देना हमारी ड्यूटी में, हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमें भारतवर्ष के कानून को मानना है, हमें टैक्स देना है। लोग चोरी करके टैक्स बचाते हैं, बाइबल तो कहती है कि टैक्स देना चाहिए, गवर्नमेंट के नियम मानना चाहिए। वे नियम जो इस धरती के हैं, उन मसीही विरोधियों का कहना था कि लोग आग लगाने वाले, कहीं भी दंगे हो जाएं, कहीं भी कुछ हो जाए, उन पर मर दिया जाता। प्रियो, स्मुर्ना की कलीसिया पर लोग ये 6 दोष लगा रहे थे। वो कलीसिया गरीब थी क्योंकि उनका सब कुछ छीन लिया गया था, कुछ यहूदियों के द्वारा, कुछ रोमी राज्य के द्वारा, कुछ वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। जो उनका था वो भी उनका नहीं था, इसलिए वो गरीब थी। लेकिन यदि आप बाइबल पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है इनके लिए। लिखा हुआ है, तेरे क्लेश और दरिद्रता को मैं जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग आप अपने आप को यहूदी कहते हैं, वे है नहीं पर शैतान की सभा है। आज परमेश्वर का पुत्र हमसे और आपसे पूछता है, हमसे आपसे पूछता है, क्या हम मसीह हैं? और यदि नहीं है, पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, तो हम भी शैतान की सभा की गिनती में आते हैं। प्रियो, यीशु यहां स्मुर्ना की कलीसिया पर दोष नहीं लगाता, और ये तथ्य दूसरी कलीसियाओं से भिन्न है। इफिसियों पे दोष लगाया था कि तेरा पहला जैसा प्रेम ठंडा हो गया, इस पर दोष नहीं लगाया। प्रियो, बहुत ही कठिन जीवन जी रहे थे वो लोग। मैं स्मुर्ना की कलीसिया की बात कर रहा हूं। लिखा है, स्मुर्ना की कलीसिया और वहां के मसीहों का जीवन बहुत ही दयनीय दशा में था। कोई बात आपको याद आती है? जब नहेमिया तो परमेश्वर ने बताया, और परमेश्वर चाहता था कि उसके मंदिर की दीवारें बना दी जाएं, तो लिखा है नहेमिया से बोलता है, बातचीत करता है, और बाइबल स्पष्ट कहती है, पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, सुनिए जरा। नहेमिया की पुस्तक उसका 1 अध्याय मैं पढ़ता हूं, 2 पद से। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में बंधुआई से छूट गए थे यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही नहेमिया बैठकर रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता और उपवास करता। आज हमारी कलीसिया में 2 फाड़ 3 फाड़ हो जाए, मतभेद हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए,
हमारे आंसू ही नहीं निकलते। जम गए हम, कठोर हो गए हम, निकम्मे हो गए, हमारे अंदर संवेदनाएं समाप्त हो गई, हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं कि हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, शैतान उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, आत्माएं मर रही हैं, हमारी संवेदनाएं खत्म हो गई, खत्म हो गई। लिखा है इस मुर्ना की कलीसिया पर ये 6 दोष लगाए गए थे। आज नहेमिया तो रोता है, आज कलीसियाओं में नहेमिया की जरूरत है कि जब लोग मसीह को ग्रहण करें तो वो नहेमिया की तरह लोगों के पास जाएं और वो उन्हें संरक्षण। ऐसे नहेमियाओं की जरूरत है जो उन लोगों के लिए रोएं जो आसपास भटकी हुई आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती। ऐसे नहेमियाओं की जरूरत। प्रियो, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, और केवल कलीसियाओं में नहीं, लीडरों में सबसे ज्यादा। जब तक हमारा लीडर से परिपूर्ण नहीं होगा, जब तक हमारी कलीसिया का चरवाहा प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई और में नहीं चलेगा, तब तक कलीसिया पवित्र और सुरक्षित नहीं। प्रियो, आप कहते हैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूं जो भीड़ है। यीशु मसीह का वो इलस्ट्रेशन आपको मालूम है, दृष्टांत मालूम है कि 100 भेड़ें थी और 1 हो गई। यीशु मसीह ने 99 को छोड़ दिया क्योंकि वो तो अपनी है, सुरक्षित है। वो 1 के पीछे गया और लिखा भेड़ उसकी आवाज पहचानती है, पुकारने लगा जंगल में, निकाल के लाया, गले से लगाया और उसे फिर से समझ। आज कलीसियाओं में जो भेड़े हैं वो भेड़ की खाल में भेड़िए। बात कड़वा सच है क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा की अगुवाई भी नहीं, उनमें बाइबल के कोई दर्शन नहीं, उनमें अनंत जीवन की कोई बातें नहीं, उनमें दान ओवर दान नहीं, उनमें कोई ऐसी सामर्थ नहीं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं जिन्हें अच्छा कहा जाए। इसलिए परमेश्वर का पुत्र कहता है, यूहन्ना से लिख दे, वे शैतान की सभा के लोग। अपने कंक्लूजन में ये 2 पार्ट में मैं करूंगा। सैटरडे को मैं फिर इसी पर बोलूंगा। मैं अपने कंक्लूजन में कुछ कहना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से जाता है। कंक्लूजन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पर थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाती, मैंने देखा है कईयों के चर्च जला दिए गए, कईयों को मारा गया, कईयों को जेल खाने में डाल दिया गया, कईयों को अभी तक जमानत नहीं मिली। बाइबल कहती है अंत तक धीरज रहे तो तुझे वो मुकुट प्राप्त होगा जो मैंने तेरे लिए ठहराया। आज थोड़ी सी मुसीबत आती है हम रोने लगते हैं, हम कहते हैं हे प्रभु क्या मैं ही था तेरे लिए, इस दुनिया में 8 करोड़ 8 अरब व्यक्ति हैं, उनमें से तूने मुझे ही को चुना था। अय्यूब की बात को स्मरण रखे, दानियल की बात को, शद्रक मेशक अबेदनगो की बात को स्मरण रखे। दानियल से लिखा है राजा बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था और दानियल पर भरोसा करता था, विश्वास करता था। और मैं आपसे 2 बातें पूछूं, क्या कोई आपसे प्रेम करता है, आप पर भरोसा करता है, क्या भरोसे के लायक हैं,
क्या आप प्रेम के लायक हैं या आपके साथ प्रेम का व्यवहार किया जाए। जांचिए अपने आप को, तौलिए, कहीं ऐसा तो नहीं नबूकदनेज़र की तरह लिख दे कि तू तराजू में तौला गया और हल्का निकला। मने 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 हल्का निकला। प्रियो, परमेश्वर दिखाना चाहता है आप जिस भी कलीसिया के मेंबर हैं, यदि आप जोड़ते नहीं हैं, अपने कलीसिया को जोड़ते नहीं हैं, कलीसिया के मेंबरानों को जोड़ते नहीं हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, तो आपको तोड़ने का भी अधिकार नहीं दिया। मैं नहीं समझता कि आप इससे ज्यादा कष्ट में होंगे जैसे स्मुरना की कलीसिया। मैं नहीं समझता आप इतने ज्यादा कष्ट में होंगे जैसे इफिसस की कलीसिया। इसलिए मैं कंक्लूजन में कहना चाहता हूं, प्रियो, बाइबल में लिखा है, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूं और यदि तू मन न फिराए तो तेरे दीपदान को मैं उलट दूंगा। मैं दीपदान को उलट दूंगा। आज हम धन्य हैं, हमारी सांस चल रही है। आज हम धन्य हैं, हम चल फिर रहे हैं। आज हम धन्य हैं कि हम इस पृथ्वी पर, लेकिन एक दिन ये सांस निकल जाएगी तो हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और कंक्लूजन की आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है, हम इस क्लेश को, इस दुख को, इस दरिद्रता को, इस दर्द को या इसमें वफादार रहे। कई लोगों पर क्लेश आता है, दुख आता है, दर्द आता है, वो परमेश्वर को कोसने लगते हैं, अय्यूब की पत्नी की तरह कोसने लगते हैं, परमेश्वर पर दोषारोपण करने लगते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन देता है, ये कलीसिया धन्य है, इसमें आत्मिक धन है, क्योंकि ये दरिद्र है, क्लेश में है, पीड़ित है, लेकिन विश्वास में वफादार। क्या हमारी कलीसिया के लिए ऐसा कह सकते प्रभु कहता है, जांचिए इस कलीसिया को लेकर, और जब मैं अगली बात बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये कलीसिया कितना दर्द सह रही थी, शायद आज की कलीसिया नहीं सह। एक दिन पादान यदि उपवास और प्रार्थना के लिए कह दे तो कलीसिया में संख्या घट जाती है, और यदि पार्टी या खाने की व्यवस्था कर दे तो गिनती कंट्रोल नहीं होती। बाइबल में लिखा हफ्सी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो क्या हम खाने के लिए आते? अरे खाना है तो आत्मिक भोजन खाओ, खाना है तो इसको खाओ जो शहद से भी मीठा है। प्रियो, जब भी हम परीक्षा में पड़े तो धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। सिलास और पौलुस क्या कर रहे थे जेल में? प्रभु की महिमा कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे, और कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। आज हमारी कलीसिया क्या करती है? हमारे हाथ पड़ोस में मसीहों को पर सताव है, नाना प्रकार का कष्ट है, मारपीट है, हमारी कलीसिया क्या कर रही है? बोले हमारे ऊपर तो है नहीं, जब आएगा जब देखा जाएगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता। वो सिखाना चाहता है हम कितने भी दरिद्र हो जाएं, कितने भी गरीब हो जाएं, अनेकों प्रकार के कष्ट का पहाड़ हमारे ऊपर टूट जाए, लेकिन हम विश्वास से न डगे और वफादार बने रहें। तो वो कहता है मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। इसका दूसरा भाग मैं शनिवार को प्रस्तुत करूंगा।
आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे, ताकि जो भी परमेश्वर मुझे देता है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप आशीषित किए जाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरे साले के परिवार के लिए, जो पास्टर वीरेंद्र थे प्रभु में सो गए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने पासबान को खो दिया है, उस बेटी के लिए, उस पत्नी के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने पिता और अपने पति को खो दिया है। जो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, सच्ची शांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनमें बैठ जाए और वो प्रभु की महिमा करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुन्नत समय के लिए, संगति के लिए जो आपने दिया प्रभु जी, ये मौका दिया कि हम अन्य जगह बैठकर ऑनलाइन प्रभु जी तेरी सेवा कर सके, क्योंकि आज तू जानता है हमारे यहाँ बहुत हैवी रेन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई और शैतान नहीं चाहता था कि आज हम जुड़े, लेकिन तूने व्यवस्था की। हम धन्यवाद देते हैं धनबालन सर के लिए जिन्होंने ये व्यवस्था की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। उन्हें आशीषित कर, उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर, उन्हें स्वस्थ रख, उनके परिवार को, उनके स्कूल को आशीषित कर और जितने ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबों को आशीषित कर, ताकि प्रभु जी हम अपने आप को जो कलीसिया का सदस्य है जीवन के अंत तक वफादार बनाए रहें, चाहे हमारे ऊपर क्लेश आए, कष्ट आए, परीक्षाएं आए और मौत क्यों ना हो जाए, लेकिन हम तेरे नाम को, तेरे वचन को न छोड़े। प्रभु यीशु हम इतनी प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, सबों को आशीषित करना और प्रभु जी हमें अपनी महिमा में बढ़ाना, उन्हें देना कि हम तुझ में आगे को बढ़ें, तब हमारी कलीसिया आगे बढ़ेगी। प्रभु जी हम सबों को आशीषित करें प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जितने इस परिवार से जुड़े हैं और इस कलीसिया के परिवार से और इस ऑनलाइन परिवार से जुड़े हैं, सबों को आशीषित कर, तेरे दोबारा आने तक शांति, आनंद और प्रेम में हम वफादार बने रहें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।